क्या हुआ है? अब भाई साहब जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने है, आपने देखा पिछले आधे घंटे से हम यहाँ खड़े थे, उसके बाद भी ये लोग आए नहीं। और अगर कम से कम आपको आके देखना तो चाहिए कि क्या दिक्कत है आपको पहले से, मतलब पता हो गया, प्रयास करना चाहिए आपको। इनको पूरी तरीके से पहले से मालूम था कि हमने ऐसा दवा दे दिया है कि वो एक्सपायर हो गया। अब आइए पुलिस, पुलिस हम लोग गिड़गिड़ा रहे थे, बुला रहे थे, बार बार पल्ला फिर रहे थे, बुलाइए, तो उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को बुलाया कि मतलब हम इतने जाहिल हैं कि हम इनका घर में तोड़फोड़ करेंगे या उनसे मारपीट करेंगे। इन्होंने बुलाया पुलिस को? अब उन्होंने बुलाया होगा तभी तो इतनी संख्या में पुलिस यहाँ आकर के खड़ी हो गई। हमको आतंकवादी है यहाँ की जो मतलब यहाँ आ गए, हमारे पास कोई पिस्तौल और बम है कि हम यहाँ दागना शुरू कर देंगे। पुलिस आपसे क्या करे, क्या दबाव डाल रही है? पुलिस हमसे दबाव नहीं डाल रही, वो तो कह रही है कि मतलब आप जैसा करना चाहें वैसा करें, आप अगर मतलब उसको मुकदमा लिखाना चाहते हैं तो आप मुकदमा लिखाइए। डॉक्टर आपसे क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं भगवान तो पहली बार सामने नहीं आ रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? अब इस लापरवाही हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। पूरे हॉस्पिटल बंद हो और पूरी तरीके से बंद हो हॉस्पिटल, हर तरीके। हमारे साथ बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ये इस प्रकार का जो है हादसा वो क्षम्य अपराध नहीं है। भाई आप एक मतलब प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, आपके ऊपर व्यक्ति विश्वास करके 100-100 किलोमीटर से आकर के अपना गाड़ी मेहनत मशक्कत की कमाई का पैसा आपको दे करके जाता है, खुद रोटी नहीं खाता है लेकिन आपको फीस देता है इसलिए कि मतलब हमारा परिवार सुरक्षित रहे, और उसके बाद मगर इस प्रकार से आपसे लापरवाही होती है और आप उसके प्रति उदासीनता बरतते हैं, तो उसकी जिम्मेदार आप हैं। किस डॉक्टर का इलाज चल रहा था? ये डॉक्टर रीना केडिया का इलाज चल रहा था। कितने महंगा गर्भ था? 7.5-8 महीने का। और ये लगातार इसको हर महीने में चेक कर रही हैं, देख रही हैं। अभी आज के 15 दिन पहले भी हमने दिखाया, फिर उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले ये मतलब दिखवाए, कोई समस्या नहीं थी, ना उसको शुगर था, ना उसको ब्लड प्रेशर था, ना उसको कोई कमजोरी थी, ना कोई दिक्कत थी, सिर्फ इसलिए कि कोई मतलब उसका माली हालत जानने के लिए कि कोई समस्या ना हो, कोई मतलब कोई दिक्कत ना आ जाए डिलीवरी के समय, बच्चा ठीक ठाक है स्थिति में कि नहीं है। अभी इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया, हमारे पास सारे रिपोर्ट मौजूद हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर मैं अपने घर पर रखता तो बच्चा बहुत ही नॉर्मल ढंग से जन्म ले लेता, लेकिन अच्छा के चक्कर में मतलब यहाँ ये केडिया हॉस्पिटल में डॉक्टर रीना केडिया जी को दिखाया, और इसके बाद में इन्होंने यहाँ से एक इस बार जब दिखाया तो एक इंजेक्शन रिकमेंड कर दिया और कहा कि इसको ले जा करके इसको शाम को लगवाना, फिर इसको सुबह लगवाना, ऐसे करके 2-3 बार मतलब लगवाना। और यहाँ से जब मतलब कल आज इंजेक्शन लगाना हुआ 7 बजे, तो वहाँ एक इंजेक्शन लगाने वाले को बुलाया गया और उसने जो है इंजेक्शन दिया तो थोड़ा सा इसको जो है कुछ गर्मी महसूस हुई, आँख में थोड़ा झिलमिलाहट आने लगी, तो उसने इंजेक्शन लगाना बंद कर दिया। फिर उन्होंने तुरंत यहाँ जो है फ़ोन करके जानकारी किया कि डॉक्टर साहब आपने जो इंजेक्शन लिखा था उससे ये समस्या आ रही है, तो इन्होंने बताया उसमें कोई 2 इंजेक्शन बताया कि इसको तुरंत लगा दीजिए, उसकी सारी रिकॉर्डिंग फ़ोन में मौजूद है। इन्होंने बताया कि उसको लगा दीजिए और जो है वो पानी छींटे मुँह पर डाल दीजिए। इतना करने के बाद फिर वहाँ से हम लोग लेकर के भागे कि मतलब चलिए डॉक्टर साहब को दिखाया जाए वहाँ की, मतलब ये क्या हो रहा है, आँख इसका जो है वो धीरे धीरे चढ़ने लगा। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से आए तो यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ पहुँच करके हमने कम से कम 15 मिनट तक तो इनका दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद में एक वो चपरासी कोई निकले बाहर, फिर उनसे कहा गया कि डॉक्टर साहब को बुलाइए। आधा घंटा कम से कम डॉक्टर साहब अंदर से बाहर आने में लगाई, और वो भी बाहर नहीं अपने बरामदे में गेट के अंदर खड़े होकर के उन्होंने कह दिया कि मतलब हम नहीं देख सकते हैं, हमने मतलब कोई मर गया है तो उसको हम जिंदा नहीं कर सकते। एक कोई उनका कंपाउंडर आकर के देख करके गया था और वही जा करके उसने उसको बताया, और हमारे अच्छे खासे बच्चे को इसने जो है मार दिया, 2 जान उसकी चली गई।